उत्तराखंड में तीर्थाटन को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने को लेकर यात्रा प्राधिकरण के गठन पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस सिलसिले में अधिकारियों को यूपी समेत अन्य राज्यों के ऐसे प्राधिकरण का गहनता से अध्ययन करने के निर्देश दिए, फिर इसके आधार पर यात्रा प्राधिकरण का खाका खींचा जाएगा। ये प्राधिकरण पूरी तरह से चार धाम समेत अन्य यात्राओं के लिए समर्पित होगा, साथ ही यात्रा के दृष्टिगत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वर्ष भर सक्रिय रहेगा। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा कावड़ यात्रा, नीलकंठ यात्रा समेत अन्य कई धार्मिक यात्राएं भी नियमित अंतराल में होती रहती हैं, जिसको लेकर यात्रा शुरू होने के पहले इसकी तैयारी की जाती है, लेकिन कई बार भीड़ बढ़ने से व्यवस्थाएं लड़खड़ा जाती हैं। इस सब को देखते हुए सरकार राज्य में यात्रा प्राधिकरण के गठन पर विचार कर रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तराखंड के अंदर जो हमारे चार धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री धाम, केदार धाम और साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश, क्योंकि देवभूमि है, देवभूमि में श्रद्धालु भी आते हैं, हमारे यहाँ पर्यटक स्थल भी हैं, नैनीताल है, मसूरी है, बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर 12 महीने जो है पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, तो इसलिए श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था हो सके। और आप जिस प्रकार से देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन चारों धामों के लिए जिस प्रकार से हो रहे हैं, मुझे लगता है कि 2.5 लाख से ऊपर अब तक जो है चारों धामों में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, और आने वाले समय में जिस प्रकार से पिछले वर्ष लाखों लोगों ने दर्शन किए थे, इस पर हम चाहते हैं कि इस वर्ष भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में देवभूमि में आकर के चारों धामों के दर्शन करें, क्योंकि सनातन संस्कृति और धर्म के मानने वाले लोग इन धामों में आते हैं। निश्चित रूप से आगे भविष्य में हम और बेहतर किस प्रकार से कर सकते हैं और बेहतर इन सब जगहों पर, इन धामों पर हम सुविधाएं दे सकते हैं, इस पर सब चीज़ें सरकार सोच रही है। आने वाले समय पर सारी चीज़ें मूर्त रूप में